नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्जाम्स में। अपने पिछले दो लेक्चर्स में मैंने नेमोडैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल पर और उसके एक्सेप्शंस पर कुछ एक्सेप्शंस पर चर्चा की थी। मैंने आपको सेक्शन 27 सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बताया, जो नेमोडैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल के जनरल रूल और दो एक्सेप्शंस को इनकॉर्पोरेट करता है। मैंने आपको बताया कि सेक्शन 27 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि किसी माल का स्वामी नहीं है, या जो उस माल के स्वामी द्वारा प्राधिकृत नहीं है, या जो उस माल के स्वामी की सम्मति के बिना उस माल को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है, तो जो क्रेता होगा उसको उस माल पर अच्छा स्वत्व प्राप्त नहीं होगा। मैंने आपको ये भी बताया कि नेमोडैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल्स के कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 27, 28, 29, 30 और कुछ अन्य प्रोविजंस में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो सेक्शन 27 दो एक्सेप्शंस को इनकॉर्पोरेट करता है, पहला स्टॉपल का है और दूसरा सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट का है। इन मुद्दों पर मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में चर्चा की है, जो आपको मेरे चैनल पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उस पर मिल जाएगा। तो आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत नेमोडैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल के कुछ अन्य एक्सेप्शंस पर भी चर्चा करेंगे। तो सेक्शन 27 के बाद सेक्शन 28 सेल ऑफ गुड्स एक्ट नेमोडैट क्वाड नॉन हैबिट के एक एक्सेप्शन को इनकॉर्पोरेट करता है। सेक्शन 28 बताता है सेल बाई वन ऑफ ज्वाइंट ओनर्स। सेक्शन 28 ये बताता है कि कब किसी संपत्ति के किसी संयुक्त मालिक द्वारा विक्रय कर दिए जाने पर वो क्रेता उस संपत्ति पर एक अच्छा स्वत्व प्राप्त कर लेगा। तो सेक्शन 28 ये कहता है कि अगर किसी एक संपत्ति के एक से अधिक ओनर हैं और उनमें से किसी एक ओनर के पास, किसी एक ज्वाइंट ओनर के पास अर्थात किसी एक संयुक्त स्वामी के पास उस माल का सोल पजेशन है, मतलब एकाधिकार है उसका, उसपे उसने अकेले उस पर कब्जा किया है, तो और उसका कब्जा अन्य स्वामियों की सम्मत से है, तो यदि ऐसी स्थिति में वह अपने माल को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है और जो क्रेता है उसको ये पता नहीं है कि ये जो संयुक्त स्वामी है, वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर्स जो है, वो उस माल को बेचने के लिए प्राधिकृत नहीं है और वह गुड फेथ में काम करता है, मतलब ईमानदारी पूर्वक काम करता है, तो ऐसी स्थिति में बायर को उस माल पर अच्छा स्वत्व प्राप्त होगा, अर्थात बायर अर्थात क्रेता उस माल का स्वामी बन जाएगा। तो सेक्शन 28 अप्लाई होने के लिए जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन पे हम वन बाई वन चर्चा करते हैं। पहला एसेंशियल एलिमेंट है देयर आर सेवरल ज्वाइंट ओनर ऑफ गुड्स, मतलब किसी एक ही माल के एक से अधिक स्वामी है। जैसे कोई एक मोटरसाइकिल है, उसके तीन ज्वाइंट ओनर्स हो गए, ए बी और सी, मतलब एक ही मोटरसाइकिल है और उसमें ए बी और सी तीनों संयुक्त स्वामी हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वन ऑफ देम इज इन सोल पजेशन ऑफ गुड्स विद द परमिशन ऑफ अदर्स, उन संयुक्त स्वामियों से में से कि कोई एक व्यक्ति उस पर सोल पजेशन रखता है, मतलब उसका अकेले का कब्जा है, लेकिन ये कब्जा विद द परमिशन ऑफ अदर्स है, मतलब ये कब्जा अन्य स्वामियों की सम्मत से है। जैसे अगर ए बी सी तीनों किसी एक मोटरसाइकिल के ज्वाइंट ओनर हैं, तो केवल एक एक पास अकेले उस सब मोटरसाइकिल का कब्जा है, लेकिन ये कब्जा बी और सी की सम्मत से है। ठीक, नेक्स्ट, बायर हैज बॉट गुड्स इन गुड फेथ, और जो क्रेता मान लीजिए एक्स है, वो उस मोटरसाइकिल को या उस किसी भी माल को गुड फेथ में परचेज करता है, मतलब सद्भाव पूर्वक उसको क्रय करता है। तो सद्भाव पूर्वक से आशय यहाँ पे क्या होगा, यदि किसी एक्ट, किसी पर्टिकुलर वर्ड को किसी एक्ट में डिफाइन किया गया है, उसके डेफिनेशन क्लास में उसकी डेफिनेशन दी गई है, तो हम जो उस डेफिनेशन क्लास में उसकी डेफिनेशन दी गई है उसको अप्लाई करते हैं, लेकिन गुड फेथ को सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। तो
सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये भी कहता है कि ऐसे वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो कि इस एक्ट में यूज तो हुए हैं लेकिन डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है तो उनका वही मतलब होगा जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता है। तो गुड फेथ वर्ड को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी नहीं अप्लाई किया गया है। तो अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं अप्लाई डिफाइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये कहता है उसमें नहीं डिफाइंड है, तो हम यहाँ पे गुड फेथ की वो मीनिंग अप्लाई करेंगे जो कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में बताई गई है। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का सेक्शन 3 का क्लास 22 गुड फेथ को डिफाइन करता है। तो ये कहता है कि गुड फेथ या सद्भाव पूर्वक से तात्पर्य किसी ऐसे कार्य से है जो ईमानदारी पूर्वक किया गया है, विच इज डन ऑनेस्टली वेदर नेग्लिजेंटली और नॉट। मतलब कार्य ईमानदारी पूर्वक किया गया है, इससे बहुत मतलब नहीं फर्क नहीं पड़ता है कि उस कार्य को लापरवाही पूर्वक किया गया है या बिना लापरवाही के, लेकिन अगर वो कार्य ईमानदारी पूर्वक कहा गया किया गया है तो हम ये मानेंगे कि वो गुड फेथ में किया गया है। मतलब इस एग्जांपल में देखते हैं कि ए बी और सी किसी एक मोटरसाइकिल के ज्वाइंट ओनर हैं। बी और सी की सम्मति से उस मोटरसाइकिल का सोल पजेशन एकमात्र कब्जा जो है ए के पास है। अब ए इस मोटरसाइकिल को एक्स नाम के बायर को बेच देता है। अब ऐसी स्थिति में बायर का जो एक्ट है वो गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब सद्भाव पूर्वक अर्थात ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, मतलब इन दोनों का सम्मिलित रूप से कोई बेईमानी का इरादा नहीं होना चाहिए, इस बायर के बिहाफ पे कहीं से कोई बेईमानी पूर्ण इरादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर हैज नॉट नोटिस दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, और विक्रय के समय उस क्रेता को यह सूचना भी नहीं होनी चाहिए कि उस विक्रेता के पास उस सब माल को बेचने का प्राधिकार नहीं है। मतलब इस केस में अगर इस मोटरसाइकिल को जब बेचा गया तभी एक्स को यह पता है कि इसमें बी और सी ज्वाइंट ओनर हैं और ए को इस मोटरसाइकिल को बेचने का अधिकार नहीं है, तब तो ये सेक्शन 28 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक मोटरसाइकिल है जिसके ए बी और सी तीन ओनर हैं, तीनों में से ए के पास उसका कब्जा है और उसका कब्जा बी और सी की सम्मति से है, और ऐसी स्थिति में ए उस मोटरसाइकिल को एक्स नाम के बायर को बेच देता है और इसने जो कार्य किया है वो ईमानदारी पूर्ण है, मतलब इसका कोई बेईमानी का इरादा नहीं है, और जब इसने उस मोटरसाइकिल को परचेज किया तो उस समय उसको इस बात की भी सूचना नहीं थी कि ए के पास उस संपत्ति को उस मोटरसाइकिल को बेचने का अधिकार नहीं। तो अगर ये चार शर्तें अप्लाई हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में भले ही क्रेता ऐसी स्थिति में भले ही विक्रेता के पास उस मोटरसाइकिल को बेचने का प्राधिकार ना हो, तब भी ये जो क्रेता है उसको उस मोटरसाइकिल का अच्छा स्वत्व प्राप्त होगा। अच्छा स्वत्व प्राप्त होने से आशा ये है कि ये क्रेता उस मोटरसाइकिल का ओनर बन जाएगा। नॉन हैबिट के प्रिंसिपल के चौथे एक्सेप्शन के बारे में बात करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 29। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 29 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी माल का कब्जा किसी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत प्राप्त किया है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 19 या 19A के अंतर्गत वाइडेबल है, तो और उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर किए जाने से पहले ही वो व्यक्ति जिसने उस माल का कब्जा उस वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत प्राप्त किया है किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर देता है, तो जो क्रेता होगा वो उस माल का अच्छा स्वत्व प्राप्त कर लेगा। तो आइए सेक्शन 29 पर देखते हैं, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पर चर्चा करते हैं। तो सेक्शन 29 कहता है सेल बाई पर्सन इन पजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो कहता है कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वाइड एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। मतलब ऐसी कोई संविदा जो कि संविदा के कुछ पक्षकारों के विकल्प पर तो शून्य घोषित की जा सकती है लेकिन सभी के द्वारा नहीं, तो उसको शून्यकरणीय संविदा कहते हैं। तो सेक्शन 29 ये कहता है कि सेलर हैज रिसीव्ड द गुड्स अंडर ए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब
उस विक्रेता ने उस गुड्स को किसी ऐसे संविदा के माध्यम से प्राप्त किया है जो सेक्शन 19 या सेक्शन 19A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वाइडेबल है। तो सेक्शन 19 या 19A ये कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, अर्थात जो कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंसेंट ऑप्टेन की गई है वो बाई कोर्सन ऑप्टेन की गई है, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑप्टेन की गई है, फ्रॉड के थ्रू ऑप्टेन की गई है या अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा प्राप्त की गई है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट उस व्यक्ति के विकल्प पर शून्य करनी होता है जिसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी। मतलब मान लीजिए ए बी से कोई सामान फ्रॉड कमिट करके ऑप्टेन कर लेता है या बी को डरा धमका के कोई सामान ए से प्राप्त कर लेता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बी के ऑप्शन पर वाइडेबल होगा। तो मान लीजिए ए ने कोई सामान बी से जबरदस्ती प्राप्त कर लिया है, तो ये क्या होगा, ये सामान जो प्राप्त किया गया है वो एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत प्राप्त किया गया है। दूसरा इंग्रेडिएंट है द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल, और जब सेलर उस गुड्स को सेल करता है, जब उस माल को बेचा जाता है, उस समय तक उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस संविदा को रिसेंट अर्थात खंडित नहीं किया गया है। तीसरा इंग्रेडिएंट द बायर हैज परचेज्ड द गुड्स इन गुड फेथ, जो क्रेता है उसने सद्भाव पूर्वक उस माल को खरीदा है, अर्थात उसने ईमानदारी पूर्वक उस माल को खरीदा है। चौथा और लास्ट, बायर हैज नॉट नोटिस ऑफ द सेलर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल, और उस क्रेता को उस विक्रेता के जो स्वत्व है उसमें जो कमी है उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भले ही सेलर का उस गुड्स पर एक परफेक्ट टाइटल नहीं है, तो भी बायर का टाइटल एक परफेक्ट टाइटल माना जाएगा। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ए बी से कोई सामान फ्रॉड कमिट करके या कोर्सन के थ्रू या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू या अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी भी तरीके से प्राप्त कर लेता है। मान लीजिए उसने बी को डरा धमका कर ए ने कोई सामान खरीद लिया, अब उस सामान को वो एक्स को बेच देता है, और जब वो सामान एक्स को बेचा जाता है उस समय तक बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसीव नहीं किया, इस कॉन्ट्रैक्ट की संविदा को विखंडित नहीं किया, और एक्स जो कि बायर है वो ईमानदारी पूर्वक उस सामान को खरीदता है, और उस समय एक्स बायर जो है उसको ये भी नहीं पता है कि ये जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ए ने इस सामान को खरीदा है वो कॉन्ट्रैक्ट एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एक्स इस बायर को ये नहीं पता है कि ए जो सेलर है उसने इस गुड्स को बाय फ्रॉड ऑप्टेन किया है या बाय कोर्सन ऑप्टेन किया है या बाय इंडियन इन्फ्लुएंस ऑप्टेन किया है या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑप्टेन किया है। तो ऐसी स्थिति में अगर बी द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को वैध डिक्लेयर कराए जाने से पूर्व ही ए एक्स को सामान बेच देता है और एक्स इस जानकारी के अभाव में सामान को खरीद लेता है, तो एक्स का उस टाइप गुड्स पर परफेक्ट टाइटल होगा, मतलब एक्स उस गुड्स का ओनर बन जाएगा। आइए कुछ केसेस देखते हैं। इसको एक केस है फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स का केस। इस केस में क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, एक सम्मानित व्यक्ति है, और वो एक वैल्यूएबल रिंग खरीदता है और उसके बदले में एक चेक देता है, जो चेक जो है वो वर्थलेस चेक रहता है, वो किसी मूल्य का चेक नहीं रहता है। तो इस तरीके से जो रिंग ऑप्टेन की गई वो किस तरीके से ऑप्टेन हुई, उसमें कंसेंट जो है वो ऑप्टेन बाई फ्रॉड। अब इस रिंग को ये इससे पहले कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर कराया जाता है ये बात पता लगती कि ये चेक वर्थलेस चेक है, इससे पहले ही वो बायर वो एक अन्य व्यक्ति को जो व्यक्ति फ्रॉड कमिट करके रिंग को ऑप्टेन किया रहता है वो उस रिंग को किसी अन्य व्यक्ति को प्लेज कर देता है। तो उस रिंग का जो ओनर होता है वो उस प्लेजी के अगेंस्ट सूट लाता है उस रिंग को रिकवर करने के लिए। तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया, ये निर्णय दिया कि ये जो बायर था उसने गुड्स को
जब खरीदा तो उसको ये नहीं पता था कि इस गुड्स को एक वर्थलेस चेक के माध्यम से खरीदा गया है, और जब रिंग बेची गई थी उस समय तक उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं कराया गया था, इसलिए जो प्लेजी था उसकी टाइटल प्लेज के रेफरेंस में परफेक्ट टाइटल थी। दूसरा केस है कार एंड यूनिवर्सल फाइनेंस वर्सेस कार्डवेल का केस। इस केस में क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी चेक के माध्यम से, और जब उसने कार खरीद ली और जिस पर वो चेक दिया था, जब वो उसको इनकैश कराने गया तो वो चेक बाउंस हो गया। तुरंत ही उस व्यक्ति ने जिसने कार बेची थी उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और ऑटोमोबाइल एसोसिएशन को इन्फॉर्म किया कि उससे किसी व्यक्ति ने उससे किसी व्यक्ति ने कार परचेज कर ली है एक चेक देकर की, जो कि चेक बाउंस हो गया है। इसके बाद दो दिन बाद उस व्यक्ति ने जिसने चेक के माध्यम से वो कार खरीदी थी उसको एक डीलर को बेची और वो गायब हो गया। तो इस मामले में वो व्यक्ति जो मूल क्रेता था जिसकी कार को चेक बाउंस चेक देकर के खरीदा गया, उसने उस डीलर के अगेंस्ट सूट लाया उस कार को रिकवर करने के लिए, और ये माना गया कि सेक्शन 29 में बताया गया प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही उसने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को और ऑटोमोबाइल एसोसिएशन को, वैसे ही उसने अपना इंटेंशन शो कर दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता है, इसलिए जब कार ट्रांसफर की गई उस समय तक उस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसेंड किया जा चुका था, विखंडित किया जा चुका था, इसलिए उस डीलर को उस कार पे एक परफेक्ट टाइटल प्राप्त नहीं होगी। तो ये चौथा एक्सेप्शन था नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल का। इसके अन्य एक्सेप्शन पर हम अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, और हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।